अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वाह मम्मी, क्या बढ़िया एंटरटेनमेंट हुआ है आज का। सुनैना पे कोई फिर से अटैक कर दिया। कान और कलेजा दोनों पे ठंडक पड़ गई। मम्मी, हमको लगता है कि नमन सिंह अभी तक किसी को बताया नहीं है सुनैना के बारे। अरे पंकजा, हमरी भलाई ये बात में है कि नमन सिंह बिना राजकुमारी को बताए सुनैना को त्याग दे। अरे तभी तो घर में तुम्हारा वेलकम होगा। क्यों मम्मी, बता देगा तो काहे वेलकम नहीं होगा। जी बुड़बक, अगर राजकुमारी जी को सुनैना का किन्नर होने का सच पता चल गया तो सबसे पहले ना हमारे जो बाबू साहेब हैं वो राजकुमारी जी को खत्म कर देंगे। और अगर राजकुमारी बच भी गई तो वो हमारे परिवार का ना कभी सकल भी नहीं देखेंगी। अरे किन्नर जो पैदा हुई है हमने घर में। तुम ना हम बात कान खोल के सुन लो। ये जो किन्नर वाली बात है ना, इसी को सिर्फ बाबू साहेब और कुम्मू दीदी को परेशान करने के लिए यूज करो। राजकुमार जी को बताने का ना कोशिश भी मत करना, बुझी? बिल्कुल, हम तो खुशी से वेट कर लेंगे कि नमन सिंह कब उस किन्नर को धक्के मारकर अपने घर और अपनी जिंदगी से बाहर निकालेंगे। तुम्हारी वाइफ ना ही लड़की है और ना ही लड़का, वो एक किन्नर है। किन्नर है नमन। देख रहे हो पापा, इन नमन भैया जब से वापस आए हैं कमरा में गए ही नहीं है, बस खोए खोए रहते हैं। यहाँ तक कि कपड़ा भी हमसे मंगाए हैं और यही छत पे ना आए। हमको तो लगता है कि ये एक्सीडेंट इन्हें कुछ सदमा में डाल दिया है। चाचा से अपने भतीजे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है रितु। आज मुझे अपने भतीजे से बात करनी चाहिए। एक काम कर, तू नीचे जा, हम बतियाते हैं इससे। देखो नमन, हम तुम्हारे चाचा जरूर हैं, पर तुमको इस हालत में देख के ना हमको बाप से ज्यादा दर्द हो रहा। हम देख रहे हैं इस बार जब से तुम आए हो कुछ तो है जो तुम्हें खाए जा रहा। हम समझते हैं कि माँ बाप से बोल नहीं पा रहे हो, हमसे तो बोल सकते हो यार। और गुड्डूगा को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के सब बताते ही हो ना। चलो मान लो कि हम तुम्हारे फ्रेंड हैं यार, अब बोल, बोलो क्या बात, बोल। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, सुनैना का सच छिपाया गया है, तुम्हारी शादी कराई गई है। सुनैना ना ही मर्द है और ना ही औरत, वो एक किन्नर है। किन्नर कुछ नहीं चाचू, वो बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं सुनैना के एक्सीडेंट को लेके। हाँ, लेकिन आप ठीक हो जाएगा सब जल्दी। औलाद तो राजकुमारी भाभी की ही हो बेटा, इतनी आसानी से टूटोगे नहीं। लेकिन हम भी सूरत सिंह हैं, तोड़ के रहेंगे। पहले तुम्हारा भेद, उसके बाद तुम्हारे अम्मा की अकड़। जी
कान्हा जी हमारा राज एक एक करके हमारे अपनों को चोट पहुंचा रहे हैं। हमारे अभिशाप का नतीजा नमन जी क्यों भुगत रहे कान्हा जी, क्यों? अरे जब हम प्यार के काबिल ही नहीं थे तो आपने हमें उनसे क्यों जोड़ा? क्यों उन्हें हमारे श्राप का भागीदार बनाया आपने? क्यों? कान्हा जी हम नमन जी को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हम दुनिया की सारी मुसीबतें खुद पर लेने के लिए तैयार है, पर प्लीज प्लीज हमारे नमन जी को हिम्मत दे प्लीज। कान्हा जी सब का सब आपके कारण हो रहा है कुमत। डर काहे लिए रही हैं? डरिए मत बिल्कुल भी। काहे कि आप डरेंगी ना तो ये जोन राज है ये सबके सामने आ जाएगा कि वो किन्नर है। इसलिए उसको जान से मार देना चाहते थे तबाही, लेकिन आप हमेशा बीच में आ गई। कि आपका जान उनमें अटका है और हमारा जान आप में अटका है, और ये बहुत गहरा चक्कर है, और ये चक्कर की वजह से हम अभाइन तक रुके रहे, लेकिन अब बहुत देर हो गया है। अब उनको हम मारेंगे नहीं। अब जॉन को भी उनके बारे में पता चलेगा, जॉन को भी वो राज के बारे में पता चलेगा, उसको मारेंगे एक एक करके मारेंगे। हर दिन एक नया तमाशा देखेंगे आप, समझे हमारी कुमुद? नमन कहाँ है? आया नहीं? वो भैया टेरिस पे हैं। बोल रहे थे खाना नहीं खाएंगे आज। आज तक तुम ही घर की मेहमान थी, लेकिन ये रोके की रस्म के बाद तुम ही घर का हिस्सा बनोगी। तो कैसा लगा मेरा प्लान शंभू? जैसे ये शादी हो जाए, अर्णव का सब कुछ मेरा हो जाएगा। कल रात शिवा का भूत हमसे मिलने आया था और कल तुमसे मिलने आने वाला है। ये सब पल्लवी का एक नया ड्रामा, ताकि आपके मुंह से सच निकल जाए कि शिवा को मैंने मारा। का? ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 10:30 बजे। शुरू हो गया इन लोगों का सीरियल वाला ड्रामा। लगता है खाना आज नसीब नहीं होगा। बाबा ये बॉल याद है ना तुमको? बचपन में हम इसको तुमरा मैजिक बॉल बुलाते थे। कैसे कि जब तुम खाना खाने में नखरा करते थे ना, तो हम तुमको ये बॉल पकड़ा देते थे और तुम झटपट से पूरा खाना खा जाया करते थे। तो हम सोचे कि चलो कहा पता आज भी बॉल अपना मैजिक दिखा दे, हैं? हाँ, माँ, सच में मुझे भूख नहीं है। हवा तुमने खाने से मना कर दिया तो हमने भी खाना नहीं खाया, और सुनैना भी एक नेवाला खाए बिना ही उठ गई। तुमने चाचा जी और पापा वो भी नहीं खाए होंगे। देखो बहू, आप अगर तुमको ना व्रत रखे हो ना तो हमको बताओ, हम सब साथ ही रख लेंगे, हैं? क्या बोलते? Thank you.
भाभी अपने कमरे में है, कह रही थी भूख नहीं है हमको। सुनैना सुनैना नीचे आओ। क्या तमाशा है? खाना खाओ। जी आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? आप सबके सामने ये सब कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको ऐसी हालत में देखकर आपके घर वालों पर क्या बीत रहे होगी? मुझे सुन रहे हैं आप, कुछ बोलोगे? सोचने समझने लायक छोड़ा है तुमने मुझे। देखो तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। जिस दिन से मुझे पता चला है ना कि तुम नहीं हो, उस दिन से मैं ही रहा। मर गया वो नमन सिंह जो अपनी जिंदगी से मोहब्बत करता था, प्यार करता था। अब सिर्फ नफरत होती है इस दुनिया से, तुमसे और सबसे ज्यादा खुद से। क्यों 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 किया? आखिर मेरे साथ क्यों किया? क्यों क्यों क्यों? I hate you. Oh.
थी। कहाँ है तू लो? पास मत अपना मेरे। इस फेस देखने में मुझे बहुत खून बह रहा है। मुझे समझ नहीं आता। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। क्या? क्या देख रही हो? मैंने कोई अनोखी बात बोल दी? कुछ गलत कहा मैंने? कुछ गलत कहा मैंने? मैं नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा समाज तुम जैसी लड़की से सिर्फ नफरत करता है। गलती से तुम्हें लड़की बोलती है ना, सच तो यह है कि ना ना तो तुम लड़की हो ना तुम लड़का हो, तुम तो एक सुनैना ना ही मर्द और ना ही औरत, वो एक किन्नर है। किन्नर किन्नर है। हम एक किन्नर है। बोली ना नमन जी, कमान क्यों लड़खड़ा गई आपकी यहाँ? अजीब है नमन जी, पूरे समाज का, इस दुनिया का हमसे नफरत कर, कि ना हम मर्द है और ना ही हम औरत, तो एक किन्नर है। जन्म लेने की जो गलती हमने की है उसकी सजा हमें जरूर मिलनी चाहिए। मिलेगी भी नमन जी, इसलिए आपको जो सजा देनी हमें दीजिए, हम सब कुछ भुगतने के लिए हम तैयार हैं, पर प्लीज भगवान की, भगवान के लिए खुद को चोट पहुंचाना बंद कीजिए नमन जी। नहीं, मरहम लगाने दीजिए, कितना खून बह रहा है। प्लीज हमें पट्टी करने दीजिए, वरना ये जख्म भरेगा नहीं। चुप। ये जख्म देख रही हो? ये जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म तुमने यहां दिए, जो जख्म तुमने यहां दिए, वो कभी नहीं भरेंगे। क्या कह रही हो तुम? हाँ जी जी, नमन का हथेली का चोट, चाल का तेजी और फेस का एक्सप्रेशन देख के ही लग रहा था कि जरूर सुनैना के साथ उसका कुछ न कुछ हुआ है।
तुम्हारी उम्र का डबल सावन देख चुके हैं हम अपनी जिंदगी में। इस झूठी मुस्कान के पीछे का जो तूफान है ना, वो हमसे मत छुपाओ। और यह कमरे में फैला हुआ कांच साफ साफ बता रहा है कि तुम्हारे और नमन के बीच में कुछ हुआ है। क्या बात पे झगड़ा है तुम दोनों का, बताओ हमको। ही कान्हा जी, मम्मी जी के सामने टूटना नहीं है, हिम्मत देना प्लीज। हाँ नहीं मम्मी जी, वैसी कोई भी बात नहीं है। वो नमन जी ना काफी दिनों से किसी बात को लेकर ना बहुत ज्यादा परेशान है। हमने तो उनसे कुछ कहा भी नहीं है, अब पता नहीं क्यों। और रही बात ये कांच की, तो उनके हाथ से ना वो ग्लास गलती से फिसल गया था, जिसकी वजह से टूट गया और हम बस उठा रहे थे। भौरिया, आज तक नमन के हाथ से कुछ फिसला नहीं है, लेकिन अब हमको ऐसा लगने लगा है कि हमरे हाथ से बउआ फिसलने लगा है। समय रहते हमको समस्या बता दो, ताकि आज ही उसका समाधान हो जाए। नहीं, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं, हमारा विश्वास कीजिए। विश्वास तो हमको पूरा है कि हमारा बेटा जिस हाल में है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो।